कि कब तक गिड़गिड़ाओगे इस न्यायालय के सामने जो झूठी है, जो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। बिल्किस बानो थी, उसके जब हत्या बलात्कारियों को जेल से छूटा तो महिलाओं ने तिलक करा। कैसी महिलाएं हैं कि जो बलात्कारियों को तिलक कर रही हैं और लड्डू बांट रही हैं? क्या आज भी कोई विश्वकन्या तो इस देश में नहीं है जो हमारे राजपाट को लूटने में लगी हुई है? तुलसीदास की माँ को तो मर जाना चाहिए कि जिसने ऐसा बेटा पैदा किया जो कह रहा है कि नारियों को जो है पीटना चाहिए। तो ऐसे ढोंगी बाबा से हम दूर ही रहते हैं, हम उनकी बातों को ज़्यादा सुनते भी नहीं है। ये वही मनीष सिसोदिया है, ये कलम कसाई है। ये उस दिन मोहन भागवत कह रहा है ये पंडितों की गलती है, अभी तो पंडितों की बता रहा है। जैसे कैलाश पे बना लिया उसने हिंदू राष्ट्र, अरे तुम बाहर से आए हो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जहाँ से आए हो वही बना लो ना, छोड़ो ना हमारा पिंड। लूटने वालों, तुम भारत को अखंड बनाओगे? मैं माँ सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि भी आज प्रोग्राम भी कर रहे हैं ओबीसी का दिल्ली में, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसकी बधाई जो है सभी को देना चाहूँगी। और आज 10 मार्च जो है प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ एक कविता के माध्यम से। हाँ, मैं सावित्रीबाई फुले बोल रही हूँ, हाँ मैं सावित्रीबाई फुले बोल रही हूँ, महिलाओं और शोषितों की शिक्षा के द्वार खोलने वाली बोल रही हूँ। हाँ मैं सावित्रीबाई फुले बोल रही हूँ, हाँ मैं फातिमा शेख बोल रही हूँ, हाँ मैं फातिमा शेख बोल रही हूँ, जो शोषितों का के उद्धार का द्वार खोलने वाली सावित्रीबाई फुले के साथ खड़ी रही। हाँ मैं फातिमा शेख बोल रही हूँ, हाँ मैं झलकारी बाई बोल रही हूँ, मैं झलकारी बाई बोल रही हूँ, जिसने दुश्मन के दांत खट्टे कर शहीद हुई। हाँ मैं झलकारी बाई बोल रही हूँ, मैं रमा बाई बोल रही हूँ, हाँ मैं रमा बाई बोल रही हूँ, संविधान निर्माता को बनाने के लिए बच्चों की शहीदी और कुर्बानी देने वाली, हाँ मैं रमा बाई बोल रही हूँ, हाँ मैं फूलन देवी बोल रही हूँ, मैं फूलन देवी बोल रही हूँ, बलात्कारियों और दुष्टों का नरसंहार कर स्त्रीत्व के सम्मान की लाज रखने वाली, हाँ मैं फूलन देवी बोल रही हूँ। हाथरस का जो केस जो रिजल्ट जो है जजों ने दिया है, उससे दुखी होकर थोड़ा सा पीड़ा मन में रखकर मैं भारत की सक्षम नारी बोल रही हूँ, हाँ मैं भारत की सक्षम नारी बोल रही हूँ, पाखंड और अंधविश्वास का अंत करने वाली बोल रही हूँ, हाँ मैं भारत की नारी बोल रही हूँ। जितने भी आपने नाम लिए हैं महा महिलाओं के, ये महान विभूति रही हैं, लेकिन कहीं जिक्र नहीं होता ज्यादातर आजकल की किताबों में इनका। देखिए आजकल की किताबों में चाहे स्कूल की उठा लो चाहे विश्वविद्यालय की उठा लो, वहाँ पे भारत के इतिहास का कहीं पे नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो ये तो जो है ना क्रांति की योद्धा थी, जो फूलन देवी जो है अपने बलात्कारियों का किसी न्यायालय का उसने इंतजार नहीं करा और बलात्कारियों को जो है ना उन्होंने सजा दे दी। तो ये एक मैसेज था कि कब तक गिड़गिड़ाओगे इस न्यायालय के सामने जो झूठी है, जो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, और जिसका हमने एग्जाम्पल तुरंत जो है मनीषा वाल्मीकि के केस में देखा। लेकिन जो कि हमें फिर निराशा हाथ लगी, जो हत्यारा शेर सिंह राणा उसको तो फूलमालाओं से स्वागत किया जाता है। तो देखिए ना कैसे नेता हैं हमारे, और जो है शेर सिंह राणा को पूज रहे हैं, तो वो औरतें जो हैं उनके घर के औरतें जो हैं वो इस बात का विरोध नहीं करती है। अगर मेरे घर में मेरा पति या मेरा बेटा किसी महिला के प्रति दुर्व्यवहार रखेगा तो मैं उसको तुरंत टोकूंगी। लेकिन ये कैसी महिलाएं हैं जो जो आपकी बिल्किस बानो थी, उसके जब हत्या बलात्कारियों को जेल से छूटा तो महिलाओं ने तिलक करा। कैसी महिलाएं हैं ये, लड्डू बांटे थे, कैसी महिलाएं हैं कि जो बलात्कारियों को तिलक कर रही हैं और लड्डू बांट रही हैं? ये वो विश्वकन्याएं तो नहीं है जो हमारे पुरखों के राजा महाराजाओं के राज को जिन्होंने छीन लिया, कि वो के वो ये वही विश्वकन्याएं तो नहीं है जो आज भी बलात्कारियों को जो सम्मान कर रही हैं कि जाओ तुम बलात्कार करो और हम तुम्हारा यूं ही तिलक करेंगे और लड्डू बांटेंगे? ये कहीं वही विश्वकन्याएं तो नहीं है? मुझे डर है।
कि कहीं यही विष कन्याएं आज भी भारत में उसी तरीके से हमारे नेताओं का शोषण तो नहीं कर रही हैं, जो समाज, जो काशी राम जी ने राह दिखाई थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने राह दिखाई थी, जो ज्योतिबा फुले ने राह दिखाई थी, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपनी शहीदी से राह दिखाई थी, इस राह से हमारे नेता क्यों भटक रहे हैं? क्या आज भी कोई विष कन्या तो इस देश में नहीं है जो हमारे राजपाट को लूटने में लगी हुई है? ये आज भी मुझे डाउट बना हुआ है। 2023 में जो है आप बहुत विरोध कर रहे हो हिंदूवादियों का, उनकी जो कथाओं को लेकर, रामचरित की जो चौपाइयां उनको लेकर, एकदम से हो क्या गया ओबीसी वालों को, एससी एसटी को? देखिए, संविधान की ताकत आपकी हिम्मत है, मेरे को कुछ गलत बोल दोगे? आप बोल के तो दिखाओ मुझे। और जिस ग्रंथ में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, अरे तुलसीदास की माँ को तो मर जाना चाहिए कि जिसने ऐसा बेटा पैदा किया जो कह रहा है कि नारियों को जो है पीटना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो है ना ग्रंथों का मैं क्या अचार डालूंगी जो मुझे पीटने को कह रहा है? मैं तो उनको थूकू भी ना, उनकी तरफ देखूं भी ना, जैसे ग्रंथ। ऐसी चौपाइयां तो कथावाचक बड़े चटकारे लेकर सुनाते हैं और महिला नाचती है वहां पर कथाओं में। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये ऐसे ऐसे मंत्र बोलते हैं, इनके मीनिंग जो है ये कभी समझाते नहीं है। जिस दिन इन्होंने जो चौपाइयाँ बोली हैं उनके असली मीनिंग बताने लगे, वही जो है औरतें जुत्ती निकाल के वहीं पीटेंगी इनको, वहीं पीटेंगी। लेकिन तो बाबा के पास बढ़ती जा रही संख्या थी महिलाओं की। तो देखिए, महिलाओं की जो संख्या बढ़ी जा रही है वो टीवी के पे प्रचार के माध्यम से बढ़ी जा रही है। टीवी पे टीवी का एक ऐसा जादू है, जीरो को हीरो बना देता है। टीवी में दिखाते हैं ओहो इतने बड़े बड़े जो है महिलाओं को घर में देखिए, मैं फिर विरोधाभास हो जाएगी हमारे पुरुष उसके लिए वर्ग के लिए कि वो महिलाओं को चाहे वो दिन रात काम वालियों की तरह काम करती रहें लेकिन वो सम्मान, वो प्यार नहीं मिलता जिसके लिए उन्हें जो है कथावाचकों के यहाँ जाना पड़ता है। पूजा करते हैं खुद सीएम साहब महिलाओं की, बच्चियों की? हाँ, वो जो है देखिए, जब तक आस्था से लोगों को बांधे हुए हैं ये लोग, और उन्हीं उसी यूपी नगरी में जब बलात्कार होता है, हाथरस मनीषा वाल्मीकि कांड होता है, कहते हैं बलात्कार ही नहीं हुआ, और उसका आधी रात को जो हिंदू धर्म के कहते हैं हिंदू धर्म के विरोध में है और योगी जी कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे ढोंगी बाबा से हम दूर ही रहते हैं, हम उनकी बातों को ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं। देवी पूजते हो और देवियों को लुटवाते हो, ठीक है, तुम्हारे नेता ही भाजपा के। जेएनयू इतना बड़ा कैंपस है, वहाँ पर गर्भ में तो बच्चा होता है, उसको संस्कार देने की प्रक्रिया चल रही है, एम्स के डॉक्टर पहुँच गए हैं जेएनयू में। देखिए, ये जेएनयू क्या आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक संस्थान है आयुर्वेदा, डाबरखेड़ा नजफगढ़ में, वहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बना दिया है, वहाँ पर जो है रामचरितमानस और जो है ना ये सारी चलती रहती हैं कहानियाँ, और इन्होंने सरकारी संस्थानों में जाओ देवी देवता लगा दिए हैं। ये जो है चाहते हैं शिक्षा नष्ट हो जाए, यूक्रेन से हमारे बच्चे जो हैं, यूक्रेन छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे हमारे बच्चों को सही डॉक्टरी की नॉलेज मिल रही है, और यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्टर जो बन रहे हैं उनको कि भाई राम नाम जपो तुम, तो ऐसे जंग देश में पढ़ाने का कहाँ क्या औचित्य रह गया है कि अगर किसी का कोई मेरे पास पेशेंट आएगा, अगर मैं डॉक्टर हूँ, कोई पेशेंट आता है तो मैं कहूँगी राम नाम जप, भाई कोई जरूरत नहीं तेरा ऑपरेशन करने का, राम नाम जप तेरा पेट ठीक हो जाएगा। वो तो नारे लगाती जनता की, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, तो क्या दिक्कत है इससे? देखिए, उनके लिए जनता जो है उनके चुने हुए, उनके खरीदे हुए दलाल है, हमारे लिए जनता जो है जय जय कॉलोनियों में रहती है, स्लम क्लस्टर्स में रहती है, 25-25 गज में 10-10 गज के प्लॉटों में जो रहती है, वो हमारे लिए जनता है, वो हमारे लिए जनता है। हमारे लिए जनता ये नहीं है कि 500-500 रुपए में जो है खरीद के ले आओ और उनसे कहो जो मैं बोलूंगा वही तुम्हें बोलना है, वो मेरे लिए जनता नहीं है, वो मेरे लिए दलाल है। कि मीडिया जो है किसी जीरो को हीरो बनाया था, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैंने मीडिया का सहारा नहीं लिया, एक अकेला मोदी सब पर भारी। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर मोदी जी आज टीवी पर आना बंद कर दे तो बताओ किसको पता चल रहा मोदी जी कहाँ जो है ना, कौन से देश में सो रहे हैं और कौन से देश में जो है खा रहे हैं। मोदी जी के मंदिर बन रहे हैं, पूजा हो रही है मोदी जी की। तो मैंने क्या कहा आपको कि इस देश में बाबा साहब संविधान बना गए, ज्योति सावित्री बाई फूले जो है प्रथम शिक्षिका जो महिलाओं और शोषितों के लिए शिक्षा के द्वार खोल गई, उनके तो स्कूल भी खंडर हो रहे हैं, और जो ये मोदी जी जो अडानी अंबानी टाटा बिरला को मजबूत करा जा रहे उसके मंदिर बन रहे, तो नकली लोगों का तो धंधा ही चल रहा है यहाँ पर, असली तो सारा वजूद ही मिटा दिया इन लोगों ने। राहुल गांधी देश का बदनाम कर रहे हैं विदेश में जाकर के। देखिए, राहुल गांधी जी तो विदेश में जाके बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को जो है ना कांग्रेस 55 साल हमारे देश में राज करी है, 55-60 साल,
ठीक है, और राहुल गांधी जी को जो है ना पहले कांग्रेस वाले ख़त्म करके आम आदमी पार्टी को खड़ा करना चाहते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बदनाम करके खड़ी कर दी। अब वो चाहते हैं भाई का आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी तो बनी नहीं, और बहुजन समाज पार्टी को ये राष्ट्रीय पार्टी मानते नहीं है क्योंकि 90% की ये पार्टी है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी भाई ऑपोजिशन में कांग्रेस को ही रखना पड़ेगा, या ऑपोजिशन में भी हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसीलिए राहुल को दोबारा ये जो है मीडिया वाले दिखाने लग गए। राहुल क्या कर रहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बहन जी मायावती जी क्या कर रही है, लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, जगन भुजबल क्या कर रहे हैं, और नीतीश जी क्या कर रहे हैं, अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं, हमें इस बात से लेना देना है। मुझे मनु बाजी का सामना कर रहे हैं, वो तो ईडी का सामना कर रहे हैं सर, जिनका नाम लिया आपने। देखिए वो तो इसको बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को तो ईडी नहीं, उन्हें तो सीधा ही शूट आउट कर दिया गया था। ठीक है, मानसिक प्रताड़ना जो है मुझे भी अभी 2 दिन पहले हुई है, बहुत ज़्यादा ही धमकियाँ मिली है कि फेसबुक और मोबाइल भी बंद कर देंगे अगर ऐसे ऐसे वक्तव्य दोगे। तो हमें सच्चाई बोलने की, जो जो सच्चाई बोलेगा उसको ईडी का भी सामना करना पड़ेगा। और जो है अब कहेंगे जी तो बताओ सत्येंद्र जैन पे भी तो ईडी कर रही है, तो यानी वो भी सच्चे हो गए, मनीष सिसोदिया भी सच्चे हो गए, या वही मनीष सिसोदिया है जो इस बहुजन पर आक्रमण किया था जिसने, ये वही मनीष सिसोदिया है, ये कलम कसाई है ये। और सत्येंद्र जैन की रानीखेड़ा में मुंडका में इतनी सारी जमीनें कहाँ से खरीद ली उसने, घोटाले तो इन्होंने करे हैं। आज जितने भी घोटाले, जितने भी ठेके हैं, सब इन्हीं लोगों के हाथ में है, बता दो नहीं हो तो। कट्टर ईमानदार पार्टी हमारी पार्टी, कैसा कहते हैं वो? कट्टर ईमानदार तो ये हैं, जन लोकपाल बिल पे यहीं इसी रामलीला ग्राउंड में इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि सत्ता में आते ही जन सत्ता की तो बात ही नहीं थी, पार्टी तो बनी ही नहीं थी कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। कहाँ है वो जन लोकपाल बिल, कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ है प्रशांत भूषण, सबको धोखा दे के और खुद मुख्यमंत्री बन गया। ऐसे मुख्यमंत्री को हम उम्मीद करेंगे कि वो हमें इंसाफ देगा? और शिक्षक दिवस पर एक शिक्षिका को ही उसने जो है सस्पेंड कर दिया, और हम कह रहे हैं वो हमारे लिए ईमानदार पार्टी है, धोखों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, मनुवादियों की पार्टी है और कुछ नहीं है। एक बाबा सर जेल में है, वो बलात्कार के आरोप में कह रहे हैं कि कबीर और साथ में शराब पीते थे, वो उनको कटाक्ष किया जेल से। देखिए आप जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हमारे संतों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी गौतम बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे भाई, अम्बेडकर जी भी जो है ना ब्राह्मण थे। तो ये तो हम लोगों का, देखिए हमारा देश है, हमारा तो सारा आखिर में लेना ही पड़ेगा। जिस दिन ये बहुजन समाज जाग गया उस दिन मोहन भागवत कह रहा है ये पंडितों की गलती है, अभी तो पंडितों की बता रहा है, फिर ये कहेगा जी हम तो आपके सेवादार हैं, बाहर से आए हैं सेवा करने के लिए आए। जिस दिन ये बहुजन जाग गया उस दिन ये स्थिति आएगी। जितने चाटे पड़ रहे हैं ये सोशल मीडिया, बहुजन सोशल मीडिया जितनी आवाज अब जनता की उठा रही है, ये उठा रही है जनता की आवाज, ये नकली बड़े बड़े चैनल बनाने की मांगें उठ रही है। देखिए इनका पुख्ते मर गए, 1000 सालों से राज कर रहे हैं, आज तक तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए। ठीक है हमारे खून को बदल दोगे क्या? बनवाना मेरे को हिंदू राष्ट्र, आना करवा हिंदू राष्ट्र। दिक्कत क्या हिंदू राष्ट्र आपको? ये देश भारत है, मैं महिला हूँ, आप कहो जी पुरुष हूँ, कैसे पुरुष हूँ, हूँ तो महिला ही। क्या कह के क्या आप मैं महिला से पुरुष बन जाऊंगी? नहीं बन सकती। तो कहने से, इनके कहने से भारत, भारत भा मतलब आभा, प्रकाश रत मतलब कंटिन्यूस, ये देश जो है विश्व को लगातार ज्ञान देता है। ठीक है, और इसको भारत नाम इसलिए पड़ा है इसको, तो हमें जो है हिंदू, हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये हिंदू कहाँ से आया, कौन लुटेरे लेके आए, कौन विदेश लेके, अरे जो लेके आए लुटेरे विदेशी लेके आए वो बना रहे होंगे हिंदू, जैसे कैलाशा पे बना लिया उसने हिंदू राष्ट्र। अरे तुम बाहर से आए हो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जहाँ से आए वही बना लो ना, छोड़ो ना हमारा पिंड। पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर अखंड भारत? ना जी, ये अखंड भारत था, तुमने खंडित कर दिया, दोबारा अखंड जो है इसको बहुसंख्यक ही बना सकते हैं। तुम्हारे बाप दादाओं के खून में लुटेरापन लिखा है, तुम अखंड भारत बनाओगे से? लूटने वालों तुम भारत को अखंड बनाओगे? तुमसे उम्मीद कर सकते हैं हम तुम्हें भगा सकते हैं, ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते।